सो गाइस, जो अभी तक जियो की कांस्टेंट ग्रोथ की स्ट्रीक चल रही थी, उसे एक कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है। अब आपको पता है इस चैनल पे मैं हवा हवाई बातें नहीं करता, मैं बात करता हूँ फैक्ट्स पे। तो ट्राई की लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, इस साल की आखिरी रिपोर्ट है जो कि है सेप्टेम्बर मंथ की। अब जिन लोगों को नहीं पता, ट्राई वो थोड़ा स्लो है तो वो थोड़े पुराने मंथ की रिपोर्ट देता है, बट ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसमें हमें सितंबर मंथ की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी कंपनी ने यहाँ पे कितनी ग्रोथ करी, वायरलेस, वायरलाइन, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बट वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे चैनल की बहुत हेल्प हो जाती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, अगर हम कंबाइन मार्केट शेयर की बात करें, मतलब वायरलेस एंड वायरलाइन नेटवर्क दोनों की बात करें, तो इधर आपको पता है बहुत टाइम से जियो डोमिनेट कर रहा है एक तरफा। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 51.86% यहाँ पे जियो का ही डोमिनेशन है पूरी मार्केट में। सेकंड नंबर पे आता है भारती एयरटेल 29.11, फॉलोड बाय अदर कंपनीज। अब इस रिपोर्ट में यही चीज़ खास है, बहुत टाइम बाद यहाँ पे जो जियो का हमें ग्राफ देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। अगर हम अगस्त मंथ की बात करें तो अगस्त मंथ में जो जियो का नंबर था वो था 51.95 एंड इस मंथ है 51.86। भले ही जो नंबर है वो काफ़ी कम है, बट यहाँ पे बहुत टाइम बाद ऐसा हमें देखने को मिला है। सो, अगर हम दोनों ग्राफ्स को ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो मार्केट शेयर जियो गया है वो गया है एयरटेल के पास। अब एयरटेल ने कहाँ बाजी मारी है वो हम रिपोर्ट में आगे देखेंगे, अब रिपोर्ट को आगे डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हम पर्टिकुलरली वायरलाइन मार्केट शेयर की बात करें, मतलब जो आपके घर में ब्रॉडबैंड लग रहा है उसकी बात करें, तो यहाँ पर भी आपका जो डोमिनेट कर रही है कंपनी वो जियो है 33.75% के साथ। एंड अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो भारती एयरटेल 25.59% के साथ, एंड जो BSNL है वो थर्ड नंबर पे है 20.17% के साथ। आपको जान के काफ़ी शॉकिंग लगेगा, कुछ टाइम पहले ये मार्केट डोमिनेट कर रहा था BSNL, कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ महीनों पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत टाइम पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। बट जियो एंड एयरटेल ने अपने जो फाइबर की ग्रोथ दिखाई है दैट इज़ फिनोमिनल। तो जो लोग BSNL को छोड़ रहे हैं वो इन्हीं दो कंपनीज के पास आ रहे हैं। एंड अब अगर हम इसे लास्ट मंथ से कंपेयर करें, मतलब अगस्त मंथ से कंपेयर करें, तो आप देख सकते हो जियो एंड एयरटेल का यहाँ पे नंबर इंक्रीज हुआ है, BSNL का डिक्रीज हुआ है, वोडाफोन आइडिया का भी यहाँ पे परसेंटेज घटा ही है। एंड अब अगर हम नंबर्स की बात करें, कौन सी कंपनी ने यहाँ पे कितने यहाँ पे सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, तो इधर आप देख सकते हो बहुत टाइम बाद अगेन यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली है कि भारती एयरटेल ने जियो से ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड किए हैं अपने वायरलाइन नेटवर्क में, मतलब ज़्यादा लोग एयरटेल फाइबर को प्रेफर कर रहे हैं, ऐसा हमें ये डाटा बता रहा है। एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो भारती एयरटेल का यहाँ पे 1,49,000 के अराउंड यहाँ पे कस्टमर गेन हुए हैं, जियो के यहाँ पे 1,28,000 के अराउंड कस्टमर गेन हुए हैं। थर्ड नंबर पर आता है आपका टाटा टेलीकॉम, उसके बाद आपकी अदर्स कंपनीज आती हैं, एंड यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे कस्टमर डिक्रीज़ किए हैं। एंड जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हुआ है BSNL को -8,000, तो इसलिए हमने देखा कि BSNL का जो मार्केट शेयर है वो डिक्रीज हो रहा है। सो गाइस, आपके हिसाब से ऐसा क्यों हुआ है कि जो लोगों की प्रेफरेंस है वो जियो एयर फाइबर से हटकर एयरटेल एयर फाइबर की तरफ आ रही है? मैं खुद भी एयरटेल एयर फाइबर यूज़ कर रहा हूँ, मेरा इसे यूज़ करने का एक ही रीज़न है कि इसमें जो है काफ़ी स्वीट स्पॉट है 40 Mbps का, जो कि मुझे इन जनरल 50 Mbps की स्पीड दे देता है। ऑन दी अदर हैंड जो जियो का है उसमें बस 30 Mbps की स्पीड है, उसके बाद सीधा 100 Mbps की स्पीड है, बीच में कोई भी स्वीट स्पॉट नहीं है। 30 Mbps मेरे लिए कम पड़ती है, बट जो 50 Mbps जो मुझे एयरटेल देता है 40 Mbps के प्लान में, मेरे लिए एकदम परफेक्ट बैठती है, इसलिए मैंने खुद एयरटेल लिया है। आप भी अपना रीज़न बता सकते हो कि एयरटेल यहाँ पे कस्टमर गेन क्यों कर रहा है। अब नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, मार्केट शेयर ऑफ वायरलेस नेटवर्क, मतलब जो आप सिम वगैरह यूज़ कर रहे हो उसके यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर हम मार्केट शेयर देखें तो इधर भी जो डोमिनेशन है वो है जियो का, बट एयरटेल भी काफ़ी तगड़ी कंपटीशन दे रहा है। अगर हम नंबर्स की बात करें 39.06% जियो का है, सेकंड नंबर पे आता है आपका भारती एयरटेल 32.85%, एंड थर्ड नंबर पे आता है आपका वोडाफोन आइडिया 19.78%। अगर हम इसे पिछले मंथ से कंपेयर करें, अगेन हम सेम ही पैटर्न देख सकते हैं, जियो एंड एयरटेल का मार्केट शेयर इंक्रीज़ हुआ है, वोडाफोन आइडिया का डिक्रीज़ हुआ है, BSNL का डिक्रीज़ हुआ है, एंड जो MTNL है और जो आपका रिलायंस कम्युनिकेशन है उन्होंने अपना मार्केट शेयर एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट सेम रखा है, काफ़ी लॉयल कस्टमर बेस है इनका आई गेस। सो अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो जो जियो ने कस्टमर गेन किए हैं वो है 3.2 मिलियन, भारतीय एयरटेल का नंबर है 1.2 मिलियन, बाकी रिलायंस कम्युनिकेशन लॉस, MTNL लॉस, वोडाफोन आइडिया कुछ 49,000 कस्टमर के लॉस पे है। जो सबसे ज़्यादा नुकसान इस समय हो रहा है वो है BSNL को, कुछ
2.2 मिलियन के अराउंड कस्टमर छोड़ के गए हैं। मैं अपनी वीडियो एंड यूट्यूब में बहुत सी वीडियो से कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, लोग काफ़ी ज़्यादा बीएसएनएल को सपोर्ट करते हैं, बट ना जाने क्यों ये सपोर्ट मुझे नंबर्स में देखने को नहीं मिलता। 2.2 मिलियन इज अ ह्यूज नंबर जो एक महीने में लोग छोड़ के जा चुके हैं बीएसएनएल को। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जब तक बीएसएनएल का 4G आएगा तो बीएसएनएल के पास कस्टमर ही नहीं बचेंगे उन्हें 4G देने के लिए। सो दैट्स अ वेरी कंसर्निंग थिंग जिसके बारे में बीएसएनएल को सोचना चाहिए। एंड इन सब सब्सक्राइबर के जोड़ घटाव के बाद अगर हम टोटल सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो जियो का यहाँ पे 44.92 करोड़ है। अगर हम सेकंड नंबर पे एयरटेल की बात करें तो एयरटेल का यहाँ पे 37.77 करोड़ है। एंड लास्ट में आता आपका वोडाफोन आइडिया 22.75 करोड़। तो ऐसी हालत चल रही है इस समय टेलीकॉम मार्केट की। एंड गाइज आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब जियो लॉन्च हुआ था तो एयरटेल को कंटिन्यूसली हर साल काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, बट रिसेंट टाइम में एयरटेल काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। एंड अगर हम स्टॉक मार्केट पोजिशन की बात करें तो एयरटेल का जो स्टॉक मार्केट में प्राइस है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है, एयरटेल ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, इतना महंगा भी है एयरटेल फिर भी लोग उसे ले रहे हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी है? अगर आपको जानना है ये पूरा इसका जो भी बिजनेस मॉड्यूल है कि कैसे काम करता है जियो, कैसे काम करता है एयरटेल, अगर आपको जानना है तो आप बता सकते हो। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे एकदम लॉस से निकल के एयरटेल अभी इतने प्रॉफिट में है एंड जो फ्यूचर है एयरटेल का वो भी काफ़ी ब्राइट दिख रहा है इस समय। तो अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एकदम इन डेप्थ वीडियो लेकर आ सकता हूँ आपके लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।